राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार सुबह 10 बजे से जयपुर के शहीद स्मारक पर दिन भर के लिए अनशन पर बैठने वाले हैं। और दरअसल पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने को मुद्दा बनाकर अनशन की घोषणा की थी। पायलट अनशन में समर्थक मंत्रियों और विधायकों की जगह आम समर्थकों को साथ रखे हैं और अनशन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। उधर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी बताया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जननेता आदरणीय सचिन पायलट जी एक दिन के सांकेतिक धरने पर यहां पर बैठेंगे। राजस्थान प्रदेश का जो युवा है और प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आज यहां पर इस धरने में सम्मिलित होंगे। प्रदेश के सारे युवा जैसे जैसे कल इसकी जानकारी मिली और इस धरने की तरफ सब लोग आ रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पिछली सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इस मुहिम के अंदर पूरा युवा एकजुट है और युवा और पूरा प्रदेश यही चाहता है कि उस भ्रष्टाचार की जाँच होनी चाहिए और उस जाँच के लिए तमाम लोग एकजुट हैं और हम हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी के साथ हैं। हमें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए कि आप जाओ और सचिन पायलट जी का समर्थन करो। हमारी पूरी यूनियन का सचिन पायलट जी को पूर्ण रूप से समर्थन है। हम अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। हम 5 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल यूपी से आया है, जिला गाजवास से। हम सचिन पायलट जी सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनका पूर्ण रूप से हर तरह से समर्थन कर रहे हैं, हमारी पूरी यूनियन। हम किसान हैं, किसान के बच्चे हैं। फावड़ा लाठी हमारे सिंगार है और फावड़ा लाठी ना रखेंगे तो हम इस देश को खवाएंगे क्या? आपको मालूम है कि सचिन पायलट जी की क्या मांग है? आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जांच को गई, वो जांच नहीं हुई। जो मांगे किसानों की रखी, वो सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मांगी। उसी लड़ाई के साथ हम समर्थन सचिन पायलट जी का पूर्ण रूप से करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार सुबह 10 बजे से जयपुर के शहीद स्मारक पर दिन भर के लिए अनशन पर बैठ रहे हैं। और दरअसल पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा बनाकर अनशन की घोषणा की थी। पायलट अनशन में समर्थक मंत्री और विधायकों की जगह आम समर्थकों को साथ रख रहे हैं और अनशन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। उधर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी बताया है। आपको बता दें कि आज जयपुर में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 10 बजे से जयपुर के शहीद स्मारक पर दिन भर के लिए धरने और अनशन पर बैठ रहे। और दरअसल पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने को मुद्दा बनाकर अनशन की घोषणा की थी।